मैं अंदर गई तो ठाकुरान जी देखते ही मुझे सजा देने दौड़ेंगी, लेकिन मैं इन्हें बाहर अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? मैं तो अभी तक होश भी नहीं आया है। माँ जैसे आंटी आप ठीक हो ना? आप घबराना नहीं, संकटा मैया सब ठीक करेगी। आंटी अभी आप ठीक हैं? आपको दवाई लगा दी है? तोरी बेटा तू जा यहां से। अगर किसी ने तुझे देख लिया तो पता नहीं तेरे साथ क्या करेंगे। तू जा, मैं बहुत जल्द तुझसे मिलने आऊंगी। हाँ वादा करती हूँ मैं, तू जा यहां से। ठीक है, पर आप अपना ख्याल रखना। जा बेटा। क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ माँ? वो मेरा मतलब है माँ जैसी आंटी। माँ जैसी में भी तो माँ बोला है ना तूने मुझे, तो तुझे पूरा हक है। बोल। आज आपकी और मंजिले ठाकुर की फिर से शादी है ना, इसलिए आप घर वापस आने की जिद कर रही थी ना? आपके पति ने आपके लिए तोहफा भेजा है। नानी कहते सात फेरे पूरे करने से सात जन्मों का साथ मिलता है, पर सच कहूं माँ जैसी आंटी आनंद ठाकुर बिल्कुल अच्छे नहीं है। वो आप जैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आपको उनका साथ क्यों चाहिए? बेटा कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, भगवान बनाते हैं, तो शायद कई बार भगवान भी भूल कर जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि वो अगले जन्म में अपनी भूल ठीक कर दे। अगले जन्म में वो आपको और मेरे बाबा को मेरे माँ बाबा बनाकर भेजे।
क्योंकि आप दोनों दुनिया में सबसे अच्छे हैं और आप दोनों मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बैठा कोई आ रहा। मासी अभी आपकी ये हालत। सासू माँ, हस्बैंड जी, यश मैया तब अभी मासी अभी बाहर के दरवाजे से आई है। वो अपने कमरे में नहीं थी और उनके कपड़े भी बदले हुए हैं। देखिए आप, देखिए। झूठ कहूँ तो सांप डसे मुझे। आप खुद ही देख लीजिए, कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर चल रहा है। हम बता रहे हैं, आप सबने देखा था ना कि मानसी भाभी को आनंद भाई साहब अपने कमरे में लेकर गए थे, तो अभी ये बाहर से कहाँ से आ रही है, वो भी इस हालत में। माँ जी, मानसी की हालत बहुत खराब है, इसे रूम में लेके जाते हैं पहले। एक मिनट, कहाँ से आ रही हो तुम? इन्हें तो पहले ही कमरे में होना चाहिए था ना, पर ये बाहर निकली कैसे? पर अगर ये कमरे में नहीं थी तो फिर अंदर था कौन? मानसी, यश पकड़िए, इसे कमरे में ले जाओ।